हाँ सुनता हूँ सर, आपका आवाज अच्छा लगता है जी, आपका भी आवाज और आपका हंसना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। क्या सुनना चाहते हैं आज आप? राम जी का निकली सवारी सरगम फिल्म का था सर। अच्छा, राम नवमी भी है आज, इसीलिए आपने ये गीत पसंद किया। आपसे पहले बार हो रहे हैं, प्रकाश उदय सर बोल रहे हैं ना? जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ। सुनता हूँ सर, आपका आवाज अच्छा लगता है जी, आपका भी आवाज और आपका हंसना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। क्या सुनना चाहते हैं आज आप? राम जी का निकली सवारी सरगम फिल्म का था सर। अच्छा, राम नवमी भी है आज, इसीलिए आपने ये गीत पसंद किया। जी, सोच के रखा था सर, राम नवमी के दिन पावन पर्व है तो सर इसलिए इसी को सुनना चाहता था। बहुत अच्छा गीत है, रफी साहब ने बहुत डूब कर गाया है इसे। और जी, मैं रामायण मंडली में भी जाता हूँ, रामायण में। तो जो मंडली है आपकी, कितने सदस्य हैं उसमें? उसमें 8 सदस्य हैं सर। अच्छा। और अभी बोड़ला ब्लॉक में अपन फर्स्ट अभी आए थे। तो बहुत अच्छी बात है ये जी। और अब आपके भोरम देव के बारे में हम बात करते हैं। भोरम देव में जो प्राचीन मंदिर है उनकी जो ख्याति है बहुत दूर दूर तक है। जी हाँ, अभी मेला हुआ था सर 30 और 31 को। अच्छा, उसमें भी अपन मानस मंडली, जो माँ सरस्वती मानस मंडली ढोई टुलक नाम से चलता है, अपन शामिल हुए थे और वहाँ कार्यक्रम दिए हैं आधा घंटा का। अच्छा, भोरम देव के मंदिरों के बारे में बताइए थोड़ा सा आप। भोरम देव मंदिर है, नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया है, 9वीं-13वीं शताब्दी से बना हुआ है सर। बहुत देखने लायक स्थल है, यहाँ पर्यटक आते हैं। और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ का खजुराहो है। और ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम इतने नजदीक में है भोरम देव के, और बहुत सुंदर दृश्य है। मैकल श्रेणी से पश्चिम दिशा जो है उससे घिरा हुआ है और मनोरम दृश्य है सर, और तालाब भी है। और अगर शाम को आते हैं तो लाइट में इतना सुंदर लगता है कि वहाँ से आने का मन नहीं होता। और कितना दूर है आपका गांव यहाँ से भोरम देव? हमारे गांव से 8 किलोमीटर है और कमरधा से 18 किलोमीटर है। अच्छा, चलिए हमारी भी आप भी आइए, हम आपको भी घुमा देंगे सर। जी हाँ, हमारी भी बेहद इच्छा है, एक बार आए हम तो आइए, आपका स्वागत है, हम आपके साथ जाएंगे कमरधा से आपको लेने आएंगे हम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी ऐसा अवसर मिला तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे और आपके साथ ही घूमने चलेंगे। जी प्रकाश उदय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का फिल्म सरगम का ये गीत। हेलो फोन इन फरमाइश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं रानीगांव नगरी से शिलेश कुमार राहू बोल रहा हूँ। तो शिलेश जी, धमतरी जिला पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप? फिल्म पूरब और पश्चिम का गीत है, क्योंकि रामनवमी भी है तो उसी में एक फिल्म में भजन है, रघुपति राघव राजा राम। अच्छा अच्छा, गीत आप सुनाने कष्ट करें। जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा भजन आपने पसंद किया, महात्मा गांधी का भी प्रिय भजन है ये। हाँ 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं वैसे पशुधन विकास विभाग में परिचारक के पद में हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये। कहाँ है पोस्टिंग आपकी? यही अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर में है, घटुला नाम के अपना संस्था है घटुला में। अच्छा अच्छा जी जी, तो ये बताइए तो, कि क्या काम होते हैं आपके? अपने यहाँ जैसे पशु नस्ल सुधार का कार्य होता है, जो अपन कृत्रिम गर्भाधान के रूप में है नहीं, जिसमें उन्नत नस्ल के जो है बच्चा मतलब है ना, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा में समय समय में टीकाकरण कार्यक्रम भी होता है और बधियाकरण, और विभिन्न जो व्यक्ति मूलक योजना है जो पशुपालक बनाते हैं उनके केस, और उनको लाभ दिलाते हैं। तो ग्रामीण इसका लाभ लेने के लिए आते हैं आपके पास? हाँ जी आते हैं, और जब नहीं आते तो जैसे हम लोग टारगेट मिलता है बाहर से तो उसको हम लोग गांव में जाके भी उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप गांव में जाते हैं तो वहाँ किस तरह से संपर्क करते हैं आप जो ग्रामीण हैं उनसे? जैसे आजकल अब नरवा गरवा घुरवा के माध्यम से सब गौठान वगैरह में सब आते हैं, और अब क्योंकि हम लोगों को वहाँ टीकाकरण और हर प्रकार की जो योजनाएं हैं तो इससे पशुपालक से संपर्क होते रहता है, तो उनको हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, और ट्राली होती है, और भी दूसरे जो काम हैं वो दूसरे संसाधनों से होने लगे हैं,
तो ऐसे में जो हमारा पशुधन है वो कृषि में कितना सहायक हो रहा है? जी, ये तो थोड़ा सा चिंता का विषय बन ही चुका है, क्योंकि आजकल सब आधुनिकता को देखते हैं, कई लोग पिकअप ले लिए, ट्रैक्टर है, और फास्ट काम देखते हैं जितना जल्दी हो सके, तो ये वाकई में एक चिंताजनक बात है। और ऐसे होना तो नहीं चाहिए कि हम लोगों के यहाँ कृषि और पशुपालन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि के लिए हम बैल रखें और दूध के लिए गाय रखें, तो उनसे जो अपन जैसे कि कृषि से जैसे पेरा वगैरह जो भूसा है उसको हम मवेशियों को खिलाएं, और वो मवेशी गोबर देगा तो हमारे लिए वो खाद के काम करेगा, तो एक दूसरे का बिल्कुल पूरक है। और इसको हम लोग को चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पशुधन रखें और उससे लाभ प्राप्त करें और उसके गोबर से खाद भी प्राप्त करें। तो ऐसी समझाइश आप देते हैं अपने ग्रामीण साथियों को? बिल्कुल देते हैं। तो कितना अमल होता है उस पर? करते हैं अमल। और जैसे कि अब जो यहाँ पर हालांकि मवेशी कम है, लेकिन उन्नत किस्म के गाय वगैरह कहाँ से बोल रहे हैं श्यामू जी आप? रायपुर जिला सहतपुर बराई से। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? बस सर खेती किसानी करते हैं। अच्छा, चलिए खेती किसानी के बारे में हम बात आपसे आगे भी करेंगे, पहले आप अपनी पसंद का गीत बता दें। सनम बेफा घर से सुनना सर। कौन सा गीत? वो टाइटल सनम बेफा वाला। तो ये गाना बहुत पसंद है आपको? हाँ सर बहुत पसंद, और लता जी गाना अच्छा है सर। ये 90s की फिल्म थी, काफी हिट हुई थी ये फिल्म। हाँ सर, इसका गीत संगीत बहुत अच्छा था। एक नंबर सर जी। श्यामू जी बताइए अपनी खेती किसानी के बारे में, अभी क्या बोया है आपने? धान वाला लगाया सर, धान है तेरा अभी लगे आ गया। तो धान ये गर्मी वाला आपने लगाया है? हाँ सर। तो पानी की व्यवस्था कैसे होगी इसमें? बोर है सर। तो आपके जो आसपास और खेत हैं वहाँ भी ऐसी बोरिंग की व्यवस्था है सिंचाई के लिए? नहीं नहीं। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? मेरा तो 3-4-5 एकड़ है सर। 5 एकड़। तो सिर्फ ये आप धान की फसल लेते हैं या कुछ सब्जियां वगैरह भी लेते हैं और दूसरी फसलें भी लेते हैं इसमें? धान है, तिवड़ा है और बटूर लेते सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो घर में माता पिता हैं आपके? सब है, माता पिता है, दो भाई है, एक बहनी ससुराल चले गए हैं। अच्छा, तो भाइयों में बड़े हैं आप? दूसरे नंबर सर। तो बहुत अच्छी आपसे बात हुई श्यामू कश्यप जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मैं मीरा यादव, ग्राम सरोदी पोस्ट कामपुर विकास खेतबाग जिला राजनाम गांव से बात कर रही हूँ। मीरा जी कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? सर मैं विवाह फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। विवाह फिल्म का कौन सा गीत? कोई भी सुना दीजिए सर। ठीक है, इसके सभी गाने पसंद है आपको? जी जी सर। भाई मेरा कॉल लगा है, अच्छा। अरे वाह, बहुत खुशी हो रही है। आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हैं। कार्यक्रम मेरे बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ सर, तो इससे मेरे जो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आकाशवाणी सरकारी सुनने वाले कार्यक्रम से मुझे बहुत ही लाभ फायदा होता है सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं अभी बीएस स्टूडेंट हूँ। तो कहाँ जाती हैं आप पढ़ने, कॉलेज कहाँ है आपका? ठीक बात है सर, हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर हमारा विकासखंड पड़ता है। अरे तो कैसे जाना होता है आपका? सर मैं अपने फादर के साथ जाती हूँ। अच्छा, तो देखिए आप इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रही हैं, तो क्या सपना देखा है आपने, क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आगे भविष्य में? सर मैं भी आगे चलकर अपने फाइनल कंप्लीट करने के बाद मैं आरजे का मीडिया का कोर्स करना चाहती हूँ, मैं भी एक आरजे बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी कि आपने जो सोचा है उसमें आप सफल हों। थैंक यू सर। मैं आपके जो आज आकाशवाणी रायपुर के श्याम वर्मा जी, उनसे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।
हेलो, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैं आमदी से बोल रहा हूँ सर, कैसा साहू। अच्छा केशव जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? क्या है, मेरा भांजा के एक जन का शादी है सर, तो शादी वाला गीत सुना था, लिख कर रखा हूँ। बताइए बोल। चूड़िया बनते दुकानों में और जोड़ी आसमानों में, धर्मेंद्र की फिल्म है अजमाई सर, वो शादी वाला, वही गाना सुनना है, मेरे भांजा का पसंद का है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और अभी नवरात्रि चल रहा है तो वही का बैठे कर सर भांजा सर में। अच्छा 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 अच्छा, तो कैसा उत्सव मन रहा है आपका नवरात्रि का? वैसे तो सब ठीक ठाक है सर, माता का लगे हुए हैं घर से सामने मेरे, पूजा पाठ सुबह शाम से तैयारी के साथ में। तो ये जो इतना भक्तिमय माहौल होता है, आस्था का माहौल होता है, तो कैसा महसूस होता है आपको? सुख शांति मांगते रहते सर माता से, और मेरा उसी के साथ में शायर भी हूँ तो सुनाना चाहूँगा। अरे वाह, क्या बात है, शायरी करते हैं आप? जी सर। तो सुनाइए कुछ। कैसा ऊपर दिया ना दिया ऊपर बाती, हम तो है आकाशवाणी रायपुर के साथी, नदिया तिर के कोचनी भाजी, उल्हा उल्हा दिखेगा आकाशवाणी के सुनैया सार, और गाँव मन में दिखेगा, और खाना मिल रहा है पीने को मिल रहा है आकाशवाणी रायपुर को, तो सुनने को मिल रहा है, तेनी तीन पान भैया आकाशवाणी लसुन थर पूरा दिन मान, आलू ते आलू पहाड़ी आलू, मोर रेडियो रहता है दिन भर चालू। वाह क्या बात है, यानी कि रायपुर जो आकाशवाणी है वो बहुत पसंद है आपको और सारे कार्यक्रम आप सुनते हैं इसके। और बटके में बासी कटोरी में साग, आकाशवाणी लसुन थर पूरा घर परिवार सर। बहुत शानदार आपने शेर कहे हैं, और आकाशवाणी की जो भूरी भूरी प्रशंसा है वो आपकी इस बातचीत से बिल्कुल जाहिर हो रही है सर। उनका नाम लेना भी था, श्री नारायण साहू, दिलीप कुमार साहू, पद्मनी, और दीदी का नाम है फुलेश्वरी साहू, चंद्रहास साहू, और होने वाली का नीलम साहू सर। अच्छा, तो ये सभी सुनना चाहते हैं ये गीत? जी सर। तो चलिए आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आजमाइश का ये गीत। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर मैं भोरमदेव अंचल से कवर्धा जिला ग्राम रौचन से बोल रहा हूँ। नाम क्या है? दीपक साहू। दीपक जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप? सर साजन फिल्म का कोई भी गाना सुना देना। अच्छा ये बताइए, करते क्या है आप दीपक जी? सर मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ सर। तो अभी क्या चल रहा है खेती बाड़ी का काम आपका? अभी कटाई चल रहा है सर, गेहूँ चना। फसल कैसी हुई आपकी? फसल तो इस साल कमजोर है सर, पानी की वजह से। तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है आपके खेतों में? सिंचाई की व्यवस्था है सर, लेकिन फिर भी इस साल थोड़ा कम है फसल। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? 5 एकड़ है सर। 5 एकड़, तो उसमें सब में आपने गेहूँ और चना ही बोया था? जी। अच्छा। तिमरा भी डाला था सर। क्या वजह मानते हैं फसल कम होने का? एक तो पानी की समस्या आपने बताया, उसके अलावा? चना में ज्यादा मतलब बीमारी था सर, बीमारी की वजह से चना के उत्पादन कम है, उसका फसल है पैदावार ज्यादा नहीं हुई सर, मतलब फसल वो बढ़ने में वृद्धि कम हो गई इसका। अच्छा, जब भी इस तरह की समस्याएं आपको आती हैं तो आप जो कृषि विभाग है उससे संपर्क नहीं करते हैं क्या? कृषि विभाग से संपर्क अभी नहीं किया हूं सर। अच्छा, लेकिन कीजिए आप, उससे बहुत अच्छी सलाह मिलती है, और हम भी आकाशवाणी रायपुर से समय समय पर कृषि सलाह देते हैं आपको। जी सर। ये कार्यक्रम सुनते हैं आप? हेलो किसान वाणी सुनता हूँ सर, कभी कभी समय नहीं मिलता है, नहीं सुनता। खेती किसानी के अलावा और क्या काम है आपका? और कुछ नहीं है सर। अच्छा, तो इससे हो जाता है भरण पोषण पूरे परिवार का? और रोजी मजदूरी भी जाते हैं, कवर्धा अपना पास में है सर, 8-9 किलोमीटर। अच्छा, तो खेती से फुर्सत मिलता है तो अपन गर्मी में और कभी कभी बीच में भी चल देते हैं इसे रोजी मजदूरी के लिए। अच्छा अच्छा, और घर में कौन कौन है आपके? माँ बाप है और बच्चे लोग हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 4थी 3री। अच्छा, छोटे हैं अभी बच्चे आपके? तो अभी तो कोरोना काल की वजह से देखिए बंद रहा है स्कूल वगैरह। जी सर। अब क्या स्थिति है? अभी तो बढ़िया है सर, कोरोना की स्थिति अब हमारे इधर सब। वैक्सीन लगवाया था आपने? जी। अच्छा, अब स्कूल खुल गया है तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल? जी सर, सुबह सुबह लगता है स्कूल। अच्छा अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आपके बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये गीत। हेलो, नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप? नवरात्र का सुना। नवरात्र का कौन सा गाना? हेलो बुलाया है, माता जी बुलाया।
अच्छा अच्छा फिल्म का नाम अवतार। जी ठीक है ठीक है, ये गाना हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे। अच्छा ये बताइए भाटापारा में कैसा माहौल है अभी नवरात्र का? अभी इस साल तो अच्छा है सर, दो साल कोरोना से पता नहीं चल रहा था। जी अच्छा, मंदिरों से बाजा वाजा अच्छा चल रहा है, बढ़िया मतलब धूमधाम अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, पहले तो क्या हुआ कोरोना की वजह से कोई भी त्योहार हम नहीं मना पाए। अच्छा ये बताइए कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं हमारे केंद्र के आप? मैं सभी सुनता हूँ सर, रात के मुझे गीत सिंगार सभी कार्ड ही भेजते रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कार्ड भेजते हैं आप, ईमेल से भेजते हैं फरमाइश वगैरह? ईमेल का भी जाते हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं ऐसी दुकान रखा हूँ सुनते सर। काय की दुकान है आपकी? किराने की है सर। तो कैसा है व्यवसाय आपका? ठीक है सर, ऐसी है बाकी कोरोना टाइम से थोड़ा फर्क पड़ गया। तो अब थोड़ा सुधार हो रहा है आपके व्यवसाय में? जी सुधार आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका व्यवसाय फले फूले। चलिए हम आपको सुनवाते हैं ये माता की भेंट। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं केशव साहू बोल रहा हूँ सर, कर्नाटक से, जिला कोलार। अरे बहुत दूर से आपने फोन लगाया हमें। बिल्कुल सर। तो आप हाँ छत्तीसगढ़ से कोलार कैसे पहुँचे? जी हाँ सर, मैं ईंट बनाने के लिए आया हूँ। हाँ जी, और रहने वाला सर ग्राम रोहासी, जिला बलौदा बाजार से हूँ। अच्छा, तो कब से आप गए हैं वहाँ? यहाँ सर मेरे को एक दो साल हो गया, इधर काम करता हूँ और अगर कुछ काम आ जाए तो घर जाते हैं बीच बीच में। तो ऐसा क्या ऐसी जरूरत आपको आन पड़ी कि आपको इतनी दूर जाना पड़ा, यहाँ काम नहीं मिला आपको? सर वहाँ भी है काम, मगर यहाँ जो काम है वो पूरे सीजन चलता है, यहाँ ईंट बनाने का काम बारिश में भी चलता है और यहाँ थोड़ा सुख सुविधा ठीक है। और मजदूरी वगैरह कैसी मिलती है वहाँ? मजदूरी वगैरह सर यहाँ 500 से 600 मिल जाता है एक आदमी के पीछे काम करते हैं तो। और रहने की व्यवस्था की है उन्होंने? हाँ सर, रहने की व्यवस्था है, बिजली पानी लकड़ी वकड़ी सभी व्यवस्था है यहाँ, जितना हमको चाहिए उतना सुविधा है। और छाया में ही काम करते हैं सर, धूप में तो नहीं करते हैं, इसीलिए इधर ठीक लगता है। तो देखिए पहले तो जो कोलार डिस्ट्रिक्ट था, कोलार की खाने जो है वो सोने की खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। बिल्कुल सर, कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पहले वहाँ पे सोने की खाने थी और अब वहाँ पे ईंट भट्टों का काम जोरों पर है। बिल्कुल सर। तो किस तरह की ईंटें बनती हैं वहाँ पर? यहाँ सर वैसी नॉर्मल भी बनते हैं जैसे हमारे घर बनते हैं, मिट्टी को पहले हम लोग भिगाते हैं, उसके बाद उसको एक बार रापा से खींचते हैं, फिर अगले दिन उसको ईंट बनाते हैं। और यहाँ ईंट बिल्कुल 24 से 30 घंटे में पक जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम आपकी बातों में इतना खो गए कि हमने पूछा ही नहीं कि आपकी फरमाइश क्या है। जी सर, आज मेरे को गाना सुनना है, सावली सरोनी तेरे झील सी आंखें, ये वाला गाना सुनना सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना हम आपको सुनवाएंगे। अच्छा जब आप बातचीत कर रहे हैं तो पीछे से तोते की आवाज आ रही है, तोता पाल रखा है क्या आपने? नहीं पाल तो नहीं रखा सर, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक जंगल की तरह है। अच्छा, तो यहाँ मोर आते हैं, तोता आते हैं, हिरन आते हैं, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य भी पूरा भरपूर है वहाँ पर। बिल्कुल सर, खरगोश भी आते हैं। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन इन फरमाइश का ये अंक अब संपन्न होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।